इससे पहले पाकिस्तान में जितनी खवातीन आई, कोई 77, 75, 86, 87, 87, 88 कब्र में टांगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, डायबिटीज और वो बीमारियां थी जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। ये पहला कपल है जो इंतहाई खूबसूरत भी लग रहा है। दाल आखिर में एक समोसे, आखिर में एक चपली कबाब, सूजी का हलवा, गाजर के हलवा टू, एंड आई कैन मेक बिरयानी, चिकन बिरयानी। यू नो हाउ टू मेक आलू? बताऊं? आलू आई नो इट्स पोटैटो बट आई डोंट नो। बताओ। बताऊं? बताओ। डोंट इवन नो। बताऊं? मैं आरफ बताऊं आपको। बताऊं? बताऊं इट्स अ वेजिटेबल। बताओ इट्स अ वेजिटेबल। ही इज लुकिंग लाइक। सो हे, हाय, हेलो, नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है, बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो गाइस एक बार फिर से मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसको देखने के बाद आप हंसने वाले हो, स्टोरी सुन के एंजॉय करने वाले हो। तो वैसे तो मैं हमेशा ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, बट मैं एक और लेकर आई हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि वीडियो का टॉपिक क्या है और फिर हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात उसके बाद हम बात करेंगे। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अरबी लड़की पाकिस्तानी लड़के के प्यार में शादी करने इस्लामाबाद पहुंच गई। मतलब अरबी लड़की थी जिसको पाकिस्तान के एक लड़के से प्यार हो गया है और वो शादी करने के लिए उस लड़के के पास इस्लामाबाद में आ गई है। तो सुन के ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा सुनने को मिलने वाला है, कुछ तो फनी फनी सुनने को मिलने वाला है। इनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इन लोगों को प्यार हुआ, कैसे लोग मिले, तो चले देख लेते हैं हम वीडियो, उसके बाद बात करते हैं। पहली दफा मुल्क पाकिस्तान में अरेबिक खातून जिसका ताल्लुक ट्यूनस से है उसको पाकिस्तान बिहार लाया है। जब ये पाकिस्तान आई तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन्होंने हाथों में फूलों का बुके पकड़े हुए, ये जैसे ही अंदर से बाहर आई तो इन्होंने घुटनों के बल इनको प्रपोज किया। इससे पहले पाकिस्तान में जितनी खवातीन आई, कोई 77, 75, 86, 87, 88 कब्र में टांगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, बवासीर, डायबिटीज और वो बीमारियां थी जिनको मैं बयान नहीं कर सकता। ये पहला कपल है जो इंतहाई खूबसूरत भी लग रहा है। भाभी अरबी बोलती हैं और ऐसी खूबसूरत अरबी कि वल्ला। ये लव स्टोरी आपकी शुरू कैसे हुई? मैं पेरिस गया था पढ़ने के लिए, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, सिंगिंग वगैरह भी करता था। वहाँ पे एक ट्यूनिशियन कॉफी शॉप थी, करोके नाइट पे मैंने परफॉर्म किया और वहाँ पे ये भी आई थी, ये भी ट्यूनिशियन थी, इनका जाना भी उस कॉफी शॉप पे काफी होता था। वहीं से मैं इनका दीवाना और ये मेरी दीवानी। सर गाना गाया था जिस पर ये आप पर फिदाई हो गई, आपको दिल ही दे दिया इन्होंने पूरा। असल में अगर वो गाना इनको समझ आ जाए तो शायद वो दिल ना दिया होता, लेकिन चाहे समझ नहीं आया इसलिए दिल दे दिया। वो गाना गाना था नहीं, गाना असल में था ਐਵੇਂ ਜੀ ਨੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਲੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਲੋਰ ਲੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੋਰ ਲੋਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਤੇ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਨ ਹੀ ਸਿੰਗਸ? ਨਾਮ ਫਹਿਮਤ ਕਲੀਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਨ ਕੈਨ ਯਹਕੀ ਅਲ ਕਿਸਤ ਹਬਨਾ, ਅਨ ਕਿਸਤ ਹਬਨਾ ਹੈ ਕੈਫ ਤਕਾਇਨਾ ਐਂਡ ਔ ਬਾਦ فهمت لاني افهم قليل قليل توري توري اردو سمجھ ہے یہ پہلے کہہ رہی قلیل قلیل میں سمجھا مجھے ذلیل ذلیل کہہ رہی ہے لیکن وہ قلیل کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا مجھے سمجھ آ رہا تھا کچھ ایسا ہی ہے ایسے ہی ایسے ہی تو فور دی ویری فرسٹ ٹائم when he sings what was the first impression on you اول مره شفته يغني تعجبت يعني ما فهمت لماذا يعني قاعد عندهم دبيزي يعني ميكس بين العربي والاردو غريب شويه لما اسمعه يا غريب کو تھوڑا سا سمجھا دو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے اپ کو کہہ رہی ہیں بڑا کو غریب سی تاں ہی گاندا چنگا سی تو پھر میں نو ایسا گانا جو اپ دونوں نے وہاں پر کلب میں ایک راک نائٹ پر بھی اکٹھے گایا ہو کچھ لوڈے سجن وی ہوندے نے کچھ لوڈے سجن وی ہوندے نے ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਵਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮਨਾਵੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰਾਰੇ ਉਹ ਪਰੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਕਰਾਰੇ ਉਹ ਮੁਰ ਕਲੀਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਕਰੀਆ ਬੇ ਮੁੜ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੜ ਕਲੀਆਂ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ 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 How do you feel while living in Pakistan? انا احب كثيرا باكستان برشا برشا البلد امن doesn't mean by برشا 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 means كثيرا كثيرا بہت زیادہ yes زیادہ اچھا لگا
यस ليس مثل ما يروج له الميديا بعيدا عن هذا البلد سونيا جو مرضی کہیے سانو کیڑی سمجھ آ رہی تعالوا شوفوا باكستان تعالوا شوفوا الناس في باكستان كيفية العيش الجبال المناظر الطبيعية لانه بلد جميل جدا جدا والناس جدا 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 لا كباسو خاكوز مقدل تراشا كيف حالكم شكرا كباخير هذا جو باش تناوك وروز كذا بس كده تستار والحمد لله لانه كنا مسلمين سهل التعايش مع الناس यार ये कि मैं सारा दिन सुती रहनी है यार 12 बजे तक सवेरे उठ के भांडे भी धोना और नाश्ता भी सारा कुछ आप कर देते खबरदार आज तो बाद में उठाना नहीं बाजरी ये कह रही कुछ और कह रही है क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं दुआ कर रहा था ऐसा ही कुछ ऐसा कुछ ना कह रही हूं ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी डिशेस में ये क्या क्या बना लेती हैं और आपके लिए अभी तक इन्होंने क्या क्या बना के खिलाया ये आपको खुद बताएंगे अभी क्या क्या बना लेती हैं आप बता दें आप गूंगे मैं गूंगा तो नहीं लेकिन मेरा ख्याल है मैं इनसे सुनना चाहूंगा कि इनको क्या कुछ याद है आई कैन मेक दाल आई कैन मेक समोसे आई कैन मेक चिपली कबाब सूजी का हलवा गाजर के हलवा टू एंड आई कैन मेक बिरयानी चिकन बिरयानी यू नो हाउ टू मेक आलू बताऊं आलू आई नो इट्स पोटैटो बट आई डोंट नो बताओ बताऊं बताओ डोंट इवन नो बताऊं मैं अरफ बताऊं आपको बताऊं बताओ आओ इज अ वेजिटेबल बताओ इज अ वेजिटेबल ही इज लुकिंग लाइक अ बताओ जब ये पाकिस्तान आई तो आपने इनको कहा कि मेरा ड्राइवर लेने आएगा वो आपने झूठ बोला इनको सरप्राइज देने के लिए लेकिन आपने घुटने पर बैठ के पत्तियां गुलाब की फेंक कर इनको प्रपोज कर दिया ये सरप्राइज नहीं है ये मुझे ना वीडियोस भेजा करती थी प्रपोजल्स की तो मैंने सोच लिया था कि ये आती हैं तो फिर मैं कुछ ऐसा कमाल करूंगा और कमाल मैंने ये सोचा कि मैं एयरपोर्ट पे करूंगा और सबको मैं इकट्ठा करके वहां पे लेकर जाऊंगा इनके लिए शौक था क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में आ रही थी नो मेकअप नथिंग एंड व्हेन शी सॉ द होल थिंग इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर हर कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में शादियां और हमारी इंटरनेशनल भाभियां पाकिस्तान में आएं और आरबीएस पीछे रह जाए रॉयल बिजनेस सॉल्यूशन और अदील रिया साहब की जानिब से जनाब ये एक कैश प्राइज है जो कि सलामी के तौर पर आपको दिया जा रहा है और जब जब आप इस कार्ड को देखेंगे आपको हमारी याद आएगी और आपको कसम लगे आपने इन पैसों को खर्चना नहीं है इसकी फोटो कॉपी करवा कर अपने घर में फ्रेम करके रख लेंगे ऐसे ही करूंगा कुछ ऐसे ही करूंगा ये दूसरा गिफ्ट हैम्पर नायाब ड्राई फ्रूट्स की जानिब से है ये जब जब आप ये खाएंगे आपको नायाब के नायाब फ्रूट्स याद आएंगे जो कि पिशावर में कारखानों बाजार में मारूफ दुकान है आप वहां पर जाइए और जरूर ये पीको वाले काजू खाइए आखिर में आपको इनको कोई सॉन्ग डेडिकेट करता हूं ओ जीवे रहंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़ दे मैं रवां तेरे नाल नवांगू जुड़िया मैं लिखदा हुंदा सी तेरे बारे अड़िए जाके पूछ लै गवाने तारे अड़िए जो कर दे मजाक क्यों ना हंस लैन दे जो ताने कस दे उन्हां नू कस लैन दे वाह 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है बात है जितनी कह दी है मैंने You need to dedicate a song to your hubby as well. الحب كله حبيت فيك الحب كله تنانا وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله इन्होंने जो भी कहा टलाना उनका इंटरेस्टिंग सी वीडियो मतलब कि इंटरेस्टिंग क्या हंसी एक तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो अरबी लड़की बोल क्या कह रही है बाकी उसके साथ साथ जो ये एंकर है इसके एक्सप्रेशंस इसका बोलना इतना फनी लगता है ना तो वीडियो को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है हंसा हंसा के पागल कर देता है ये खुद भी हंसता है हमें भी हंसाता है और बाकी देखो पाकिस्तान के लड़के बाहर से लड़कियां लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान की लड़कियों को फिर तीन तीन चार चार शादियों में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिसकी ऑलरेडी चार चार पांच पांच शादियां हो चुकी होती हैं उनसे शादियां करनी पड़ती हैं पाकिस्तान के ऐसे नौजवान लड़के बाहर की लड़की लाएंगे तो पाकिस्तान की लड़कियां कहां जाएंगी बेचारी उन लोग को तो यही करना पड़ेगा ना कि वो 50 साल की 60 साल की आदमियों के साथ शादी करनी पड़े उनको सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एज यूजुअल जैसे कि आपको हमेशा पसंद आती है तो आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी है और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर देना आप लोगों का जैसा दिल करे उसको शेयर भी कर देना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ऐसे ही प्यार देते रहो मैं ऐसी वीडियोज लेकर आती रहूंगी थैंक यू